गाइस अभी हो रहा है टाइम 12:30। तो अभी ऊपर से हम नीचे आ चुके हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बाइक पे, क्योंकि भाई जो सस्पेंशन है बहुत ही ख़राब है। मतलब सस्पेंशन ख़राब नहीं है, हम लोगों का जो चलाने का तरीका है वो ख़राब है एक्चुअली। तो क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, जाके दिखाना पड़ेगा उसको। और अभी जो वादा किया था वो तो ये रहा पूरा के पूरा रूम। इधर एक बेड और इधर और एक बेड है, और अपन भाई लेटा हुआ है उधर, सॉरी नौ भाई है उधर। एक कवर्ड कुछ बोलता है उसको, वो भी दिया हुआ है। इधर एक मिरर वगैरह है जो आप पहले वीडियो पे देखे हो, और इधर है बाथरूम। तो अभी जाते हैं नीचे, उसके बाद प्रॉपर्टी के बाहर से दिखा देते, क्योंकि अगर अंदर से दिखा दिया तो बाहर से कैसा दिखते हो तो आप लोग को पता नहीं, तो आप कौन से होटल पे जाओगे। तो चलिए जाते हैं अभी। तो ये रहा पूरा की पूरा लॉन ग्राउंड, मतलब बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर पे थे, इसलिए थोड़ा सा नीचे है ये, और ठंडक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। दीदी बड़ी अच्छा है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन, पीछे है प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, ये रहा मंदिर। मंदिर पे जा सकते हैं अभी, जूता खोल के, जूता खोल के। तो ये रहा मंदिर, अभी आके गए नहीं थे तो इसलिए जाना तो बनता ही अभी। बहुत ही अच्छा है, ये रहा ऊपर का पूरा व्यू, ये रहा उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन। ये आप लोगों को प्रसाद पार्क पे उठने से पहले ही मिल जाएगा, तो आप लोगों को देखने पे ऐसा नहीं होगा। ये रहा हमारा बाइक का पार्किंग एरिया, बहुत ही अच्छा था, रात पे उधर खड़ा हुआ था, अंदर बाहर नहीं था। और यार सबसे अच्छा जो चीज़ लगा मुझे वो है ये ग्राउंड, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है यार। उल्टा चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए अभी, इधर झूला भी है। ये रहा इधर स्लीपर भी है बच्चों के लिए, मतलब एक फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब होटल टाइप है ये, बहुत ही अच्छा प्रोवाइडर है, मतलब प्रोवाइडर मतलब हेल्प प्रोवाइडर, मतलब जो भी है बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस ग्राउंड को तो 10/10 ही मिलेगा। तो पीछे ये रहा कैंटीन एरिया, तो इधर सब कुछ आप लोगों को वेज मिलेगा, नॉन वेज कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेस था, मतलब रात को आप इधर आके टहल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 तो बज चुके हैं, अभी बाइक पे जाएंगे, लगेज जो पीट पे वो पैकेज पैकिंग करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कपड़े पे, हाँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम माइथन डैम जाने वाले हैं, आप लोगों को बोला था, तो अभी जाते चलो।
साहब क्या व्यू है यार, घर से निकलने के बाद मतलब मैंने सामने लगा हुआ था कैमरा बाइक का, लेकिन यार खुल के मुंह पे लाने पे, मतलब मुंह पे लाने पे नहीं, हेलमेट पे सामने पे लाने पे मैं मतलब क्या बोल, मजबूर हो गया भाई, मजबूर भाई साहब। अभी तो रास्ता दिखा रहा है कि 5 घंटा 13 मिनट लगेगा, 290 किलोमीटर पूरा की पूरा रास्ता है, और हम लोग ऐसे वादियों से जाना पड़ेगा, वादियों से मतलब पहाड़ के बीचों बीच से, वादियाँ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वादियाँ तो ऊपर होते हैं, ऊपर के मतलब अबे बैनर तो लगाना चाहिए था ना, ये बम्पर मेरा फेवरेट है मुझे मालूम है, फिर भी भाई क्या सीन है यार, क्या व्यू है। आप बोल दो इस पहाड़ पे गाड़ी चढ़वा दूँ, बोलोगे तो हो जाएगा, कमेंट कर ज़रूर बताना, दूसरे बार चढ़वा दूंगा ज़रूर। फिर से बम्पर यार, इतना अच्छा रास्ते पे ये लोग बम्पर क्यों लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, बम्पर के बाद बम्पर, बम्पर के बाद बम्पर, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बम्पर था। मई तो चलो अभी जाते आगे तरफ, अभी तो NH2 बहुत दूर है फिलहाल 27। अबे यार एक चीज़ मुझे बताओ, गूगल का जो मैप का जो मीटर है वो जो किलोमीटर स्पीड शो करता है वो किसके मुताबिक स्पीड शो करता है यार, ट्रेन के मुताबिक या किसके मुताबिक, क्योंकि मेरा बाइक में 48-49 है, इधर 44 है भाई, 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर कम स्पीड दिखाता है हर वक्त, मतलब ये क्या जो सेटेलाइट से पकड़ा हो गया आता है उसके लिए कुछ कम लगता है या कुछ और ज़्यादा कुछ, मतलब कोई और चीज़ है ये मुझे जानना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगर देखो कोई भी चीज़ मैं नहीं जानू ना तो उसको जानने के लिए मुझे मतलब उत्सुक बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर ही अंदर। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है इंग्लिश में क्योंकि माइंड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा फ़ोन का जो कैमरा है वो अभी ख़त्म है, मतलब जो फ्रंट कैमरा है उसको ठीक करवाना है, तो घर जाके ठीक करवाएंगे। जब भी मैं पहाड़ों पर जाता हूँ तब भी मेरा जो होता है कैमरा का कुछ ना कुछ होता है, तो छोड़ दीजिए बात, अभी जाते आगे। और आप भाई साहब व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू यार, लेफ्ट साइड पे पूरा की पूरा मालभूमि टाइप कुछ है, मालभूमि को मतलब हिंदी पे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, सामने उड़ा एक नदी जैसा कुछ, राइट साइड पे एक गेट है वगैरह वगैरह क्या, चलो साहब हिंदी में लिखा है यार, क्या मस्त रोड है यार, क्या मस्त रोड है बेंचो, मज़ा आ गया यार यार, क्या मस्त रोड है यार। जो इस रास्ते पे नहीं आए ना और नहीं खींचे बाइक को, वो लोग जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत कुछ बाकी है, मतलब अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फास्ट MT15 था। हाँ मैं जब उतर रहा था बोर्ड एक MT15 जा रहा था, लेकिन ये फास्ट MT15 था, MT15 क्या होता है भाई, MT50 था, पर्सनल जाने वाला फास्ट MT15 में बोल सकता हूँ अभी इसको। हाँ थोड़ा सा बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड बना लिया अभी, अभी ज़्यादा कुछ उड़ूंगा नहीं ऐसे वैसे। भाई मेरे लिए तो ये रोड रेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, दोनों हाथ। हाँ ये होता है बीच बीच में, यहाँ पर स्टेबिलिटी आता है वहाँ पर ही होता है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। ये देखो देखो ये एलिफेंट ने इसे फाड़ दिया, एलिफेंट ने फूंक के फाड़ दिया इसको, इधर एलिफेंट वगैरह चढ़ता है शायद, दिखाई नहीं दे रहा यार, पूरा खुल्लम खुल्ला एलिफेंट तो दिखा दो। 4069 क्या करते हो सर जी, कैसे चला है 40 पे इधर धीरे धीरे। भाई मुझे कोई इधर घर बना के दे दो यार, मैं इधर रह जाऊंगा, फाइनल कॉन्फर्म डन, कोई इधर धनबाद के साइड पे हो तो मुझे यहाँ पर घर बना के दे दो यार। हाँ घर नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए, एक ज़मीन दे तो मैं घर बना लूँगा मेरे पैसे से भाई।
पाया ही पाया, इधर दो ही दो नहीं हो रहा, इधर पाया ही पाया की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर एक मंदिर था कुछ है लेकिन जा नहीं सकते अभी, क्या करें, बाद में जब टाइम मिलेगा तब मैं जरूर आऊँगा और उस मंदिर पे जरूर जाऊँगा यार। कुछ ये जो साइन बोर्ड है ना भाई, हिंदी पे लिखा हुआ है, मेरे को अभी राइट के लिए हिंदी सीखना पड़ेगा यार। और इस भाव का फोटो तो हर जगह पे है, इस भाव का नहीं, ये तो जिम वाला भाव है भाई। इधर हर जगह पे हिंदी हिंदी भाई, इधर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? कौन सा जगह है ये? मोहिली थी, मोहिल बोली बोली थी, बोली थी पे किसी का घर है, मेरा सब्सक्राइबर है ये भाव, तो इधर का फेमस आदमी है TMDS साहब, शायद मैं इसको पहचान दूँ, इसका नाम नहीं मेरा पता मेरे को अभी। ये है और एक नदी यार, और एक नदी, कौन सा नदी है यार मेरे को मालूम नहीं, कौन सा नदी है भाई, किसी को मालूम है तो जरूर बताना ये कौन सा नदी है, मेरे को गूगल मैप पे अभी नहीं दिख रहा है कौन सा नदी है, जरूर बताना। बहुत खूबसूरत है यार, नीचे उतर के फोटो खींचने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा यार, ड्रोन होता तो भाई क्रिस्पीदार मसालेदार वीडियो आता। तो भाई हम लोग फिर से मतलब बहुत दिनों बाद माथन डैम आ चुके हैं, लेकिन इस बार हम आए हमारे जैस के साथ भाई। पहली बार आए थे अपाची, नहीं नहीं पहली बार आए थे पापा के बाइक पे। हाँ ये मेरा पहला मोटर ब्लॉगिंग था मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का, तो लेफ्ट साइड पे वही व्यू यार। और सीधा जाऊँगा तो वही माथन डैम में देखने को मिलेगा। अगर जो लोग मेरे माथन डैम वाला वीडियो नहीं देखे, भाई पहला मोटर ब्लॉग था मेरा डिस्टेंस का, जाओ जाओ इधर आ रहा है उधर जाके, मतलब माथन डैम नहीं आ रहा है यार, माथन डैम तो इधर ही है, माथन डैम का जो वीडियो है वो आ रहा है इधर ऊपर टैग लाइन पे, तो आज बार जाके आप लोग फॉलो मतलब व्यू वगैरह ले सकते हो। जा नहीं सकता अभी, क्या करें, कपालटाई खराब तोर, तुझे कपालटाई खराब, तो अभी माथन डैम बंद है किसी बात से मालूम नहीं किस बात से, लेकिन माथन डैम तो फिलहाल बंद ही है, जा नहीं सकते। फिर सोचा था कि माथन डैम जाऊंगा थोड़ा और बहुत वीडियो शूट वगैरह करूंगा और जैस के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन जैस तेरा बुरा मत मन तेरा दिन खराब जा रहा है तो क्या हुआ, हम जाएंगे एक दिन फिर से इस रास्ते जाएंगे तो इस रास्ते से घुस जाएंगे हम, कोई बात नहीं दोस्त हम जाएंगे। और जो लोग मेरा माथन वाले वीडियो नहीं देखे वो लोग जल्द से जल्द जाओ और देखो भाई, देख लो एक वीडियो देखने में क्या जाता है, 10 से 5 मिनट का ही तो होता है, 10 से 5 मिनट आप देख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी मतलब मैं कैमरा ऑन किया था इस माथन डैम के लिए कि माथन डैम जाऊँगा थोड़ा सा वीडियो देखूँगा दिखाऊँगा आप लोगों को कैसा कुछ है अभी, मतलब मैं तो आया था एक साल पहले आया था माथन डैम, फिलहाल एक साल हो गया है, तो हाँ थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है मेरे को भी, क्या बोलूँ यार। और दोस्तों अभी तो हम लोगों को और एक ट्रिप भी बाकी है, हाँ वो सस्पेंस है अभी, मतलब कुछ ही दिनों बाद होगा, कुछ महीने बाद होगा, मतलब अभी तो नहीं होगा लेकिन कुछ महीने बाद जरूर होगा, और छोटा मोटा ट्रिप तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे उसके बीच बीच में, जैसे कि आप लोग मतलब 15 अगस्त वाला वीडियो भी आप लोग देखोगे शायद, तो तब आप लोगों को दिखा देंगे वो कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हम अगले दिन पे जाएंगे उधर, मतलब होगा एक फन सा वीडियो आएगा जरूर। तो इस वीडियो के इधर ही एंड करेंगे, एंड इस वीडियो के बाद मतलब Q&A वीडियो भी मुझे लाना है। और हाँ एक बात, आप लोगों ने मुझे मतलब वो जो पोस्ट था ना उस पर किया था कि भाई पैदल जाओ 5 किलोमीटर ट्रेकिंग करके जाओ, लेकिन भाई मेरा पैर पे उतना दम नहीं था उधर, 5 किलोमीटर नहीं था उधर, टोटल 16 किलोमीटर एंड उतरने के टाइम पे भी 16 किलोमीटर मतलब 16 16 32 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ता, और
एक दिन हम लोग को तो स्टे करना पड़ता है, ये था मेन प्रॉब्लम, हम लोग स्टे नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग को बाइक लेके वैसा ही ऑफ रोडिंग है तो, और एक कुछ भी अलग सा एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को, और सस्पेंशन बहुत दिक्कत था हम लोगों के लिए, मतलब जंपिंग जपंग हो रहा था, और जो अंकल डर दिखाया यार वो तो मतलब माँ कसम, लेकिन भाई ऊपर जाने के बाद वो जो व्यू था ना, मतलब इतना बादल के बीचों में हम लोग, मतलब थोड़ी देर टाइम पे तो ऐसा भी हुआ कि मैं अर्पण भाई को देख नहीं सकता था कि अर्पण भाई कहाँ पर है, हाँ इतना बादल छाया हुआ था ऊपर, और उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने लगा तो हम लोग नीचे आ चुके थे, और अभी आप लोग के सामने घर पे ये सही सलामत आप लोग के दुआ से। तो आप लोग जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर जरूर करो, क्योंकि इधर ऐसा ही वीडियो आएगा, एंड क्या आप लोग तो लाइक ठोक ही दोगे ये मुझे मालूम है, और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लोग जाओ पार्ट वन पार्ट टू वाले वीडियो इधर ऊपर आ रहा है तो आप लोग देख के आओ दोस्तों, और क्या बोलूं। तो अभी फिलहाल लाइट के कॉन्ट्रास्ट इधर देखो कुछ एक तो अभी जाते मतलब जाते गए का, अभी हम एंड करते वीडियो को और स्टार्ट करते और वीडियो उसी दिनों।